हम बिहार के बॉर्डर को पार करके उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के मेहरौना में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ यही वो जगह है जहाँ उत्तर प्रदेश से जो बसें आ रही हैं, जो दिल्ली से चल करके, हरियाणा से चल करके, चाहे कानपुर हो, लखनऊ हो, और वो बसें जो यहाँ लाई जा रही हैं और यहाँ से ला करके उन यात्रियों को जो बिहार के रहने वाले हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। और जैसे कि एक बड़ी सूचना मिल रही है, हालांकि कैमरे पे कोई नहीं बता, लेकिन एक सूचना मिल रही है कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग आज रात तक इस बॉर्डर पे आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और अब जिलाधिकारी, देवरिया के जो जिलाधिकारी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सारे अधिकारियों की सारे अधिकारी जो हैं यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं कि डीएम हैं और उनके साथ पूरा लाव लश्कर है। ये सभी लोग उस परिस्थिति का आकलन कर रहे हैं कि जो परिस्थिति जो दिल्ली से चल करके, जो उधर से चल करके यहाँ पे आज रात तक या शाम तक पहुँचने वाली है। और जब उतनी सारी भीड़ यहाँ आएगी तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसको कैसे यहाँ से बिहार के बॉर्डर में प्रवेश कराया जाएगा, शायद उसी सब की तैयारी चल रही है। यहाँ पे जिलाधिकारी के साथ एसपी, पुलिस अधीक्षक हैं और जितने पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो सभी इस गंभीर मसले को देखते हुए, गंभीरता को देखते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी मंत्रणा हो रही है कि जब वो भीड़ यहाँ यहाँ तक पहुँचेगी तो उसे कैसे निपटा जाएगा। एक रणनीति बन रही है कि उस भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उस भीड़ को कैसे शांतिपूर्वक यहाँ से बिहार में प्रवेश कराया जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या है और हम आपको दिखाएंगे। ये पूरा बॉर्डर है, आपको यहाँ से हम यूपी में प्रवेश करते हैं, हालांकि हम उत्तर प्रदेश में ही अभी खड़े हैं। एक एक अधिकारी आप देख सकते हैं कि मंत्रणा हो रही है कि शाम को जब यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होगी, जो बस चली हुई है दिल्ली से, नोएडा से, कानपुर से, लखनऊ से, वो भीड़ जब यहाँ पे आएगी तो उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा, सारे अधिकारी इसी में लगे हुए हैं। यहाँ पे उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है कि किसी को कोई भूखा ना रहे, क्योंकि एक बड़ी संख्या हम ये देख रहे हैं कि उस भीड़ में जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने बिहार बॉर्डर पे देखा कि उसमें अच्छी खासी संख्या महिलाओं की भी है, उनके साथ छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी भी है। और ये जिम्मेवारी बनती है उन सरकारों की जो उनके यहाँ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश ने अपने दायित्व का पालन किया और उन्हें यहाँ तक, कम से कम अपने सीमा तक, अपने बॉर्डर तक पहुँचाने का काम किया है। और जिसमें उत्तर प्रदेश के सारे आला अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं, जिसकी वानगी आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि जिला कलेक्टर से लेकर के पुलिस कप्तान और उनके सारे आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और एक रणनीति बनाई जा रही है कि जब शाम, जैसे जैसे शाम होगा और वो बस यहाँ इस यहाँ तक पहुँचेगी, उस समय कैसे उस भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा, सभी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। और कैसे उस भीड़ को यहाँ से बिहार में प्रवेश किया जाएगा, अब देखना यह है कि बिहार सरकार इस पूरे मामले को, हालांकि इसकी खबर उन्हें भी है कि लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश से, नोएडा से, हरियाणा से, लखनऊ से, कानपुर से लोग बिहार की तरफ कूच किए हुए हैं। ये वही लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए ये दिल्ली में रहते थे, कोई हरियाणा में रहता था, कोई कहीं और रहता था, और आज वो सभी, उनकी उनका एक ही मकसद है। पिछले एक सप्ताह से जो टोटल लॉकडाउन चल रहा है, ये पता नहीं है,
हालांकि सरकार ये कहती है कि 14 अप्रैल तक का एक समय सीमा दिया हुआ है, लेकिन जो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, जो हालात दिखाई दे रहे हैं, वो पता नहीं कि ये शायद के कितने दिनों तक ये आगे बढ़ेगा, कितने दिनों तक जाएगा। कोई कह रहा है 2 महीना, कोई कह रहा है 3 महीना। तो ये परिस्थितियां और ये जैसे जैसे ये बातें उन मजदूरों के कानों तक जाती है तो उनको डर सताने लगता है कि आखिर 2 महीना 3 महीना हम करेंगे क्या यहाँ बैठ करके, कैसे हमारा कैसे हम खाएंगे, कैसे हम पिएंगे। और जैसे आज हमने देखा कि कई लोगों से बात की, जब हमने पूछा कि आपके पास पैसे हैं, क्योंकि वो यहाँ से अभी बंगाल बॉर्डर तक जाने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले थे, उन्होंने कहा कि एक पैसे नहीं है। तो इस परिस्थिति में जब पॉकेट में पैसे नहीं है और आपको कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है तो एक डर तो बनता ही है कि आखिर वो कैसे वहाँ तक जा पाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो काफ़ी सजग दिखाई दे रहा है, जिसकी वानगी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, और उस पूरी व्यवस्था का आकलन किया जा रहा है कि जब यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुँचने वाले हैं, हमारे कैमरे की नज़र भी उस पर रहेगी कि कैसे हम देखिए, कुछ शायद ये भी मजदूर हैं, अब ये साइकिल से आए हुए हैं, इनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पे केला वगैरह की व्यवस्था की गई, केला फल है, पानी है, हम इसमें बातचीत करेंगे। ये एक मिनट, ये क्या व्यवस्था है यहाँ पे? ये सारे खाने और पीने का और फल और फ्रूट सारे हैं जी, सब ये जितने आदमी यात्री जो बाहर से आ रहे हैं सबको खिलाया पिलाया जा रहा है, उसके बाद यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो ये किसकी तरफ से व्यवस्था किया गया? ये प्रशासन की तरफ से भी और ग्राम प्रधान की तरफ से भी, ये बहुत, और यहाँ के दुकानदार भी ये सहयोग किए इसमें। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है कि जहाँ कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो डूबते को तिनके का सहारा ये 2-4 फल मिल जाते हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा व्यवस्था भी है। हम इन लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर ये आप ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं? लखनऊ से जी। लखनऊ से जी। ये आप साइकिल से चले आए वहाँ से? जी साइकिल से। कब चले वहाँ से? वहाँ चले हैं करीब 12:30 बजे, परसों। परसों 12:30 बजे रात में या दिन में? हाँ जी, रात में, दिन में चले। अच्छा, ये कितने लोगों की टोली है आपकी? साहब है 18 आदमी। ये जाना कहाँ है आपको? जाना है गरखा थाना, छपरा। छपरा से और पूर्व और 15-20 किलोमीटर दूर है गरखा थाना। 8 किलोमीटर पड़ेगा, 8 किलोमीटर वहाँ तक जाना है। तो रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है? अब केला का सेब सब मिलता है रास्ते में, लोग दे रहे हैं आपको? जी, रास्ता में मिल रहा है। नाम बताइए अपना। किशोरी महतो। और ये लोगों की टीम है आपके साथ, ये सभी वहीं जाएंगे? किशोरी महतो हैं। ये देखिए, यहाँ अच्छी व्यवस्था है, लोगों ने किया है। बेचारे साइकिल से लखनऊ से परसों दोपहर 12 बजे के आसपास चले हुए हैं। ये सभी लोग उसी टीम के हिस्से हैं और ये सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो व्यवस्था उत्तर प्रदेश के प्रधान के द्वारा यहाँ बॉर्डर पे की गई है वो काबिले तारीफ है। ऐसी व्यवस्था बिहार में भी होनी चाहिए और शायद कहीं आगे जाके होगी भी। तो इनका एक ही मकसद है कि ये किसी तरह से अपने घर चले जाए। सर, जैसे कि कल से खबर मिल रही है कि उत्तर प्रदेश से भारी संख्या में बिहार के जो काम करने वाले लोग हैं वो बिहार की तरफ कूच किए हुए हैं और यहाँ हम मेहराना बॉर्डर पे हैं। आपको सर क्या सूचना है, कितने लोग आने वाले हैं यहाँ? देखिए, हम लोगों को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि नोएडा से, गाजियाबाद से कुछ लोग जो दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गए हैं, वो लोग बसों के माध्यम से वहाँ बॉर्डर पे पैदल आ रहे थे, तो प्रदेश सरकार ने उनको बसें मुहैया कराई ताकि वो प्रदेश क्रॉस कर सकें। उस क्रम में अभी तक यहाँ इस क्षेत्र में करीब 7-8 बसें आई हैं, कुछ बसों के और आने की संभावना है। एग्जैक्ट कितनी संख्या इस क्षेत्र में आएगी इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से
जो बसें आ रही हैं वो उसमें सभी जगह के लोग हैं, किंतु यहाँ हम लोगों ने पूरी व्यवस्था मुकम्मल कर रखी है। उनके होल्डिंग के लिए स्कूल में व्यवस्था कर रखी है, उनके खाने का इंतजाम डीएम साहब ने कर रखा है, हमारी मेडिकल टीम लगी हुई है जो लगातार उनकी स्क्रीनिंग कर रही है, और इस प्रकार जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको खाने पीने शौचालय आदि की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, ताकि जब वो यहाँ से बिहार जो भेजे जा रहे हैं यहाँ कोई उनको असुविधा न हो। तो यहाँ सर उनके ठहरने वगैरह की व्यवस्था भी है क्या, अगर वो रुकना चाहते हैं तो यहाँ व्यवस्था है? हाँ, निश्चित रूप से उनकी व्यवस्था है। यहाँ पास के एक इंटर कॉलेज में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, सलेमपुर में कर रखी है, शहर में कर रखा है, दो तीन स्कूलों में, गौरी बाजार जो हमारा ये जिले का बॉर्डर है जो गोरखपुर से लगता है, वहाँ रात में दो कॉलेजेस को लेकर के हम लोगों ने वहाँ लोगों को ठहराया था। जितने भी लोग आ रहे हैं उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम निश्चित रूप से मुहैया कराएंगे, उनकी स्क्रीनिंग मेडिकल फैसिलिटीज वो सब हम यहाँ मुहैया करा रहे हैं। इसको लेकर के बिहार सरकार के अधिकारियों से बातचीत हुई कि इतने ज़्यादा लोग आएंगे, हमें जो आंकड़े मिल रहे हैं सर कि लाखों की संख्या में लोग हैं, तो सर उधर से बिहार सरकार से कोई बातचीत हुई कि नहीं? हम लोगों के जो हमारे काउंटर पार्ट अधिकारी हैं जनपद सिवान के और गोपालगंज से, उनके सतत संपर्क में हैं हम लोग, और हम व्यवस्थाओं के बारे में लगातार उनसे बात कर रहे हैं। हेलो, क्या सर जो जिस तरह की परिस्थितियाँ सामने आ रही है और आप सबका यहाँ पे मेहरौना बॉर्डर पे बैठना ये साबित कर रहा है कि भारी संख्या में इसका अंदाज तो अभी हम लोग नहीं लगा सकते हैं, लेकिन भारी संख्या जैसे आपने खुद बताया उस भारी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं, और आज ही करीबन 25 बसेज आ चुकी हैं और ये संख्या निरंतर जारी है। गौरी बाजार में हम लोग इनका स्क्रीनिंग कर रहे हैं, सारी डिटेल्स हम लोग लिख रहे हैं, और इनके खान पान की व्यवस्था हम लोगों ने की है, यहाँ भी हम लोगों ने किया है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और हमारा समन्वय भी हो रहा है सिवान जिला प्रशासन से, मेरी बात हुई है वहाँ डीएम से। बॉर्डर से भी हम लोग शेयर कर रहे हैं, बॉर्डर से सारी चीज़ें मतलब अलग दूसरे डिस्ट्रिक्ट जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है और अन्य जिलों से हम लोग इसको शेयर कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से लाखों की संख्या में हम लोगों का जो आंकड़ा सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ आज रात तक लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग आने वाले हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा, क्या आप अपने यहाँ इनको रखने की भी व्यवस्था करेंगे या सारे लोगों को बिहार भेज देंगे? नहीं, सारी बातचीत चल रही है।